चलिए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 10AA। ठीक है, सेक्शन 10AA हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास नंबर 22। ये जो टैक्स डिडक्शन टू एसईजेड यूनिट्स, डिडक्शन टू एसईजेड यूनिट, सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर करनी है कि सर आपका जो ये एसईजेड यूनिट है ये आपका एग्जेम्पशन नहीं है, ये आपका डिडक्शन है, ये आपका डिडक्शन है जो एसईजेड यूनिट्स को मिलता है ऑन प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर। जो आपने एक्सपोर्ट करा है उस टर्नओवर पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन किस में से मिलेगी ये बात आपको अच्छे से पता है, डिडक्शन हमको किस में से मिलती है, डिडक्शन हमको मिलती है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए भले ये सेक्शन 10AA है, भले ये सेक्शन इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम में आता है, लेकिन आपको इस सेक्शन का डिडक्शन मिलता है, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। मार्क दिस वर्ड, दिस इज नॉट एन एग्जेम्पशन, दिस इज डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन किन एसईजेड को यूनिट को मिलेगी, कौन सी एसईजेड यूनिट एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, एलिजिबल यूनिट्स कौन सी हैं? सर एलिजिबल यूनिट्स जो हैं, एलिजिबल यूनिट्स जो हैं वो हैं जिन्होंने अपना ऑपरेशन कमेंस किया है बिटवीन असेसमेंट ईयर 2006-07 से लेकर बिटवीन असेसमेंट ईयर 2020-21। ध्यान से देखिएगा वर्ड, हम असेसमेंट ईयर लिख रहे हैं, जिन्होंने अपना ऑपरेशन असेसमेंट ईयर 2006-07 से लेकर असेसमेंट ईयर 2021 में, असेसमेंट ईयर 6-07 से लेकर असेसमेंट ईयर 2021 में स्टार्ट किया है, उन्हीं को आपको डिडक्शन मिलेगी, उन्हीं को इस टैक्स हॉलिडे का एडवांटेज मिलेगा। इनके लिए टैक्स हॉलिडे है, इनके लिए टैक्स हॉलिडे है, टैक्स हॉलिडे है 15 इयर्स का इनको टैक्स हॉलिडे मिलता है। और इस 15 इयर्स में डिडक्शन आपको कैसे कैसे मिलती है, ये 5 सालों में डिवाइड कर दी गई है। जो आपके फर्स्ट 5 इयर्स है, इन फर्स्ट 5 इयर्स में 100% प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिलता है, फ्लैट डिडक्शन है 100% के प्रॉफिट का। जो आपके सेकंड 5 इयर्स है, उसमें 50% प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है। ये प्रॉफिट कौन सा वाला है जो हम यहां पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट कौन सा वाला प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट टर्नओवर का जो प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट टर्नओवर का प्रॉफिट जो है। और जो आपके थर्ड 5 इयर्स है, आपके जो थर्ड 5 इयर्स हैं उसमें आपको मिलती है डिडक्शन लोअर ऑफ 8.50% ऑफ प्रॉफिट, या फिर अमाउंट डिपॉजिटेड इन रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व है सर, एसईजेड रिकंस्ट्रक्शन रिजर्व है। ठीक है, इस रिजर्व में जो आप पैसा डालोगे उसका लोअर। ठीक है, अब आपका जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका निकलेगा जितना आपका प्रॉफिट हुआ है एसईजेड यूनिट से, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए
एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड कर दीजिए इसको टोटल टर्नओवर से, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड कर दीजिए टोटल टर्नओवर से, एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर की बात करेंगे, इस टर्नओवर के अंदर हम एक्सक्लूड कर देंगे अमाउंट ऑफ फ्रेट कमीशन एक्सेट्रा इन्वॉल्व इन सच एक्सपोर्ट। ठीक है, और बहुत सारी कंडीशंस हैं पर इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है। जितनी मोटी मोटी बातें थी वो सारी मैंने बातें आपके सामने लिख दी हैं। कि ऐसा बंदा है जिसे इसमें डाउट है तो पूछ ले, ऐसा भी है जो पहली बार 10AA पढ़ रहा है, क्या कोई ऐसा भी है जो 10AA पहली बार पढ़ रहा है? जी जसप्रीत, स्टडी मैट के अमेंडेड है क्वेश्चन। ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। फिलहाल जितनी काम की बातें थी वो सब मैंने आपके सामने लिख दी हैं, जितनी काम की बातें हैं वो सारी मैंने आपके सामने लिख दी हैं। डिडक्शन मिलती है SEZ यूनिट को, वो जो प्रॉफिट कमाती है एक्सपोर्ट टर्नओवर से उसके ऊपर। दूसरी चीज, हर एक SEZ यूनिट को नहीं मिलेगी, वो SEZ यूनिट को मिलेगी जिसने अपना ऑपरेशन कमेंस किया है इस पीरियड के अंदर। दैट मींस कि अगर आपका यूनिट पहले से एग्जिस्टेंस में है, अगर आपका यूनिट असेसमेंट ईयर 6-7 से पहले एग्जिस्टेंस में है, तो उसको 10AA का एडवांटेज नहीं मिलेगा। जो यूनिट असेसमेंट ईयर 20-21 के बाद खुलेगी उसे 10AA का एडवांटेज नहीं मिलेगा, अगर इसमें एक्सटेंशन नहीं आया तो। वो बात की बात है फिलहाल, अभी के लिए मुद्दे की बात यह है कि आपके असेसमेंट ईयर के हिसाब से, फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से आपको जो बातें याद रखनी है वो ये कि बिजनेस जो है कमेंस होना चाहिए असेसमेंट ईयर 6-7 से लेकर असेसमेंट ईयर 20-21 तक। 15 साल का टैक्स हॉलीडे है, टैक्स हॉलीडे मतलब कि आपके प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं लगेगा। पहले 5 साल 100% प्रॉफिट पे छूट है, अगले 5 साल 50% प्रॉफिट पे छूट है, उसके अगले 5 साल 50% प्रॉफिट पे या जितना अमाउंट तुमने रिजर्व में जमा किया है उस पे छूट है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? जो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है उसको प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर के बेसिस पे। जो प्रपोर्शनेट प्रॉफिट एक्सपोर्ट का निकलेगा उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी। टर्नओवर निकालते वक्त आपने जो पैसा फ्रेट और कमीशन पे खर्च किया है उसे आप क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। एवरीवन एवरीवन, ठीक है। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। शीट के अंदर आई थिंक 6-7 क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, 5 क्वेश्चन है शीट के अंदर, टोटल 5 क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कृष्णा फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एंड 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16। तो सबसे पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपके पीरियड में ओपन हुई है कि नहीं हुई है। तो 2006-07 असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 6-7 है। असेसमेंट ईयर 6-7 का मतलब क्या हुआ? असेसमेंट ईयर 6-7 का मतलब हुआ फाइनेंशियल ईयर 5-6, और असेसमेंट ईयर 20-21 का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो इस पीरियड के बीच में अगर सेटअप हुआ होगा, इस पीरियड के बीच में अगर सेटअप हुआ होगा तो आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो। अब 19-20 में आपका टर्नओवर बताया गया है, टोटल सेल्स जो आपकी हुई है वो 60 लाख और 85 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स 48 और 55, डोमेस्टिक सेल्स 12 और 30, मनी रिसीव्ड इन और ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। तो जो पैसा आपके पास कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आया दैट इज 43,20,000 एंड 40 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम द अंडरटेकिंग इज 6 लाख एंड 10 लाख। अब ये पूरी अंडरटेकिंग का प्रॉफिट है,
पूरी अंडरटेकिंग का प्रॉफिट है 6 लाख और 10 लाख। टोटल सेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इंक्लूड्स फ्रेट ऑफ ₹5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर आपको एक्सक्लूड करना है फ्रेट और कमीशन को जो कि एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स कि ये वाला जो 5 लाख रुपए है ये टर्नओवर से एक्सक्लूड हो जाएगा। बोले तो आपका टर्नओवर 85 लाख है, 85 लाख में से ये वाले 5 लाख आप एक्सक्लूड कर दोगे, आपके पास जो टर्नओवर रह जाएगा वो 80 लाख रुपीज का रह जाएगा। ठीक है, आगे वो आपसे क्या बोल रहा है, आगे वो आपसे क्या बोल रहा है कि टोटल सेल्स ये हो गया। कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर कृष्णा अंडर सेक्शन 10AA। तो पहला क्वेश्चन मैं प्रॉपर आपको रीड करके करा देता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर कृष्णा अंडर सेक्शन 10AA। एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड टू द यूनिट्स इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। 5 असेसमेंट ईयर पहले 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 असेसमेंट ईयर तक 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके अगले 5 असेसमेंट ईयर तक 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, प्रोवाइडेड सच प्रॉफिट्स हैव बीन क्रेडिटेड टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। तो जितना पैसा आपने रिजर्व में डाला, या फिर 50%, दोनों में जो कम होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी प्रॉफिट है बिजनेस का उसे टोटल टर्नओवर से डिवाइड कर देंगे और एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा बिजनेस कब कमेंस हुआ है, 15-16 में, और अगर 2021 की इनकम निकालनी है या 2021 का डिडक्शन निकालना है तो 2021 कौन सा ईयर होगा? सर 15-16 पहला साल है, 15-16 पहला साल है, 16-17 दूसरा, 17-18 तीसरा, 18-19 फोर्थ, 19-20 फिफ्थ। तो ये आपके फर्स्ट 5 ईयर्स हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको 100% प्रॉफिट का मिलता है, और 2021 आपका 6th ईयर है, और 6th ईयर ऑनवर्ड्स आपको जो डिडक्शन मिलती है वो 50% ऑफ प्रॉफिट की मिलती है। राइट, दैट मींस अगर हम 2021 का डिडक्शन निकालेंगे तो 2021 इज द 6th ईयर, डिडक्शन आपको मिलेगी 50% की। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। एक्सपोर्ट प्रॉफिट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो जो आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है उस टोटल प्रॉफिट का मल्टीप्लाई आप करोगे एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड करोगे आप टोटल टर्नओवर से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, आपका एक्सपोर्ट सेल्स कितना है, 55 लाख, और 55 लाख में ये वाला जो 5 लाख है ये आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि आपका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट 55 नहीं रहेगा, एक्सपोर्ट का टर्नओवर 50 लाख हो जाएगा। अब ऑब्वियस है कि ये वाला 5 लाख कम होगा तो टोटल में से भी 5 लाख कम हो जाएगा, टोटल 80 होगा। 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 80, राइट। अब अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो पहले साल 10 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख कितना आ रहा है बेटा, सर 10 × 50 / 80 6,25,000 आपके पास आ रहा है, 6,25,000। क्या ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट बोल रहा हूं, क्या पूरी डिडक्शन मिल जाएगी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 6,25,000 का 50%, 3,12,500। बोलिए दोस्त, सबको क्लियर हुआ, सभी मेरे बच्चों को क्लियर हुआ?
क्वेश्चन की डिमांड तो नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड तो नहीं है, लेकिन अगर हम 19-20 का निकालते क्या होता? अगर हम 19-20 का निकालते तो कितना होता? ये देखिए, 312,500 आ रहा है, फ्रेट शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्सपोर्ट टर्न। क्लियर? जरा एक बात बताओ, अगर हम 19-20 का निकालते तो क्या होता? अगर 19-20 का निकालते तो क्या होता? देखो, 19-20 में फ्रेट के बारे में कुछ नहीं बता रहा, 19-20 में फ्रेट के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो फिलहाल मांगा तो नहीं गया है, इसको मैं सेवा बोल देता हूं। मांगा तो नहीं गया है, लेकिन ये मैं सेवा आप लोग के लिए कर देता हूं। सेवा में क्या रहेगा सर? सर सेवा में ऐसा रहेगा कि अगर मैं 19-20 की बात करूं तो 19-20 मैं एलिजिबल हूं 100% डिडक्शन के। तो मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आएगा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आएगा सर? टोटल प्रॉफिट 6 लाख रुपए का था। टोटल प्रॉफिट आपके पास 6 लाख रुपए का था। 6 लाख का मल्टीप्लाई टोटल सेल से करा दूंगा, 60 लाख से, और एक्सपोर्ट सेल से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 48/60। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4,80,000 आएगा, और मेरे को डिडक्शन कितनी मिलेगी? एवरीवन व्हाट दिस? फ्रेट हमेशा ऑब्वियस है ना निधि? निधि सिंपल सा लॉजिक समझ बेटा, टोटल टर्नओवर कैसे बनता है? टोटल टर्नओवर कैसे बनेगा? जो तुम्हारा डोमेस्टिक टर्नओवर है प्लस जो तुम्हारा एक्सपोर्ट टर्नओवर है। अब तुमने अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर में से 55 लाख में से 5 लाख माइनस कर दिए तो ऑब्वियस है ना कि टोटल टर्नओवर चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लेना। मिसेस विभा गुप्ता अ रेसिडेंट इंडिविजुअल रनिंग अ एसईजेड यूनिट एज वेल एज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, शी फर्निशेस दी फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड दिस दिस दिस। तो इनके पास डीटीए यूनिट है और एक एसईजेड यूनिट है। डीटीए यूनिट से इन्होंने 100 करोड़ का आई थिंक टर्नओवर किया है, और यहां से इन्होंने 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। ठीक है, यहां पर इनका टोटल टर्नओवर 400 का है और यहां पर टोटल टर्नओवर इनके पास 1,100 का है। तो ऑब्वियस है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर गिवन है, तो डोमेस्टिक टर्नओवर अपन फाइंड कर लेंगे। 400 का टोटल है जिसमें से 100 एक्सपोर्ट है, तो डोमेस्टिक 300 है। टोटल 1,100 है और जिसमें से एक्सपोर्ट 1,000 है, तो आपका 100 का जो टर्नओवर है वो आपका डोमेस्टिक का है। डीटीओ का मतलब मैं लिख दूं, डोमेस्टिक टर्नओवर। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था हमको, ये हमने फाइंड कर लिया। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA। हमें 10AA में डिडक्शन बतानी है। व्हेन द एसईजेड यूनिट हैड बीन सेट अप इन 12 मार्च 13। 12 मार्च 13 मतलब कि ये सेटअप कब हो गई? 12-13 में ये सेटअप हो गई, 12-13 में। तो 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, तो पहले पांच साल ये हो गए। उसके बाद 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, ये आपके अगले 5 ईयर्स हो गए। यानी कि हमारा 20-21 यहां पर आएगा, हमारा 20-21 यहां पर आएगा। हमें डिडक्शन कितने की मिलेगी? हमें डिडक्शन 50% की मिलेगी। अब एक बात बताओ, जो मेरी डीटीए वाली यूनिट है, जो मेरी डीटीए वाली यूनिट है, क्या इस पे मुझे 10AA का डिडक्शन मिलेगा? जो मेरी डीटीए वाली यूनिट है, क्या मुझे उस पे 10AA का डिडक्शन मिलेगा? सर 10AA का डिडक्शन ही एसईजेड का है। सर 10AA का डिडक्शन ही एसईजेड का है। एसईजेड के अलावा और किसी को डिडक्शन मिलती ही नहीं है 10AA में। That means जो हमारा DTA है, मतलब जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, उस पे हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो पहले साल आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी? पहले साल आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो कितने की मिलेगी? ए पॉइंट, आपके पास 220 लाख का प्रॉफिट आ रहा है,
अब ये 200 लाख है, 200 करोड़ है, व्हाट्स एवर द केस में भी 200 लाख है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हमारा यूनिट सेटअप है 12 मार्च 13 को, हमारा यूनिट अगर सेटअप है 12 मार्च 13 को, तो इस केस में आपको डिडक्शन मिलेगी 50% प्रीवियस ईयर 2021, दैट इज 100 लाख की। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि अगर ये 12/8/18 को सेटअप हुई थी, अगर हमारी यूनिट सेटअप हुई है 12/8/18 को, तो हमें 100% डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर 2020, दैट इज 216। बोलो दोस्त, दिक्कत, तकलीफ, चिंता, ठीक है, बोलो जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 बताना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। मिस्टर सुरेश के पास एक अंडरटेकिंग है एसईजेड में यूनिट ए, और एक और अंडरटेकिंग है डीटीए में यूनिट बी इन द फाइनेंशियल ईयर 15-16। इन द प्रीवियस ईयर इन्होंने सेटअप करी थी 15-16 में। इन द प्रीवियस ईयर 2021 इनका टोटल टर्नओवर यूनिट ए का है 180 लाख का, और टोटल टर्नओवर यूनिट बी का है 120 लाख का। एक्सपोर्ट टर्नओवर यूनिट ए के हैं इनके पास 150 लाख के, और प्रॉफिट इन्होंने ए का कमाया है 60 लाख का। अच्छा, टोटल टर्नओवर बताया, टोटल टर्नओवर यूनिट ए का 180 लाख, लिख लेता हूं। यूनिट ए का टोटल टर्नओवर है हमारे पास 180 लाख का, और एक्सपोर्ट टर्नओवर है हमारे पास, एक्सपोर्ट टर्नओवर है हमारे पास 150 लाख का। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट्स जो हैं वो अवेलेबल है 60 लाख के, ठीक है। प्रॉफिट्स जो अवेलेबल है वो है हमारे पास 60 लाख के। हमने यूनिट सेटअप करी थी, हमने सेटअप करी थी 15-16 में, तो 15-16 अगर मेरा पहला साल था, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, तो 19-20 तक मेरे पास 5 साल हो जाएंगे। दैट मीन्स 20-21 जो है वो सिक्स्थ ईयर है, और अगर ये सिक्स्थ ईयर है तो डिडक्शन मुझे कितने की मिलेगी, डिडक्शन मुझे कितने की मिलेगी सर? 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150 लाख डिवाइडेड बाय 180 लाख, जो भी आए उसका आप 50% कर देना। तो 60 × 150 डिवाइड बाय 80 × 0.50, डिडक्शन मिलेगी मेरे को 25 लाख रुपए। देख पा रहा हूं सभी बच्चों ने कर लिया, तो दिव्या, निखिल, अपेक्षा, फैजल, सयाली, उम्मीद करता हूं आप बाद में 50% कर दोगे, ठीक है। बाद में आप इसका 50% कर देना, ठीक है। तो यूनिट ए में जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो आपको 25 लाख की मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर है, होमवर्क पे ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर ही है, वैसे करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। मिस्टर एक्स इज रनिंग टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, वन इन एसईजेड यूनिट ए एंड अनदर इन डोमेस्टिक टेरिफ एरिया यूनिट बी। द ब्रीफ डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर एज अंडर। आपके पास डोमेस्टिक टर्नओवर 10 लाख का है, यहाँ पे 100 लाख का है, यूनिट ए हमारी एसईजेड है, लिख देते हैं। यूनिट ए जो है वो हमारी एसईजेड है, और ये डोमेस्टिक टेरिफ एरिया पे है, ठीक है। एक्सपोर्ट टर्नओवर 10 और 100, एक्सपोर्ट टर्नओवर 120 और निल। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो टोटल टर्नओवर आ रहा है वो 130 का आ रहा है, यहाँ पे टोटल टर्नओवर आपके पास 100 का आ रहा है। जीपी आपके पास 20 लाख का है, एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन दे दिए गए हैं, 13 लाख और 5 लाख रुपए आपके पास आ रहा है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 18-19, बिजनेस लॉस असेसमेंट ईयर 18-19 का यूनिट बी का 3.20 लाख है। ब्रीफली कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ द असेसी। बताइए सर, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बताइए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
हमारे पास प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, यूनिट ए प्लस यूनिट बी दोनों प्रॉफिट अगर मैं जोड़ दूं 13 और 5, 18 लाख रुपए का मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब इस प्रॉफिट में क्या मैं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर सकता हूं? 18 लाख ही है ना, फिगर इन लैक्स, और यहां पे 3.2 लैक्स है। मैं यहां से अगर 3,20,000 माइनस कर लूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? बताओ, अगर मैं 3,20,000 यहां से माइनस कर दूं, मेरे पास यूनिट ए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, मेरे पास यूनिट ए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, अगर मैं इसे यहां माइनस कर लूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? सेट ऑफ पढ़ा है ना सबने? सेट ऑफ में क्या है, सेट ऑफ में क्या है कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हो, वही कर लिया हम लोगों ने। 18 लाख में से 3,20,000 चला गया, कितना बचा? 1,480। चौदह अस्सी, इनका कैलकुलेशन मत देखना, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना। 1,480 बचा, ये 1,480 आपके लिए क्या हो जाएगा? 1,480 आपके लिए क्या हो जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या क्लेम करोगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? 13 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया है, एक्सपोर्ट टर्नओवर आपके पास 120 लाख का है और टोटल टर्नओवर आपके पास 130 लाख का है, तो आपके पास 12 लाख आ जाएगा। सेटअप आपने कब किया था? सर क्वेश्चन में सेटअप के बारे में नहीं बता रहा कि हमने ये यूनिट्स को कब सेटअप किया है, क्वेश्चन में सेटअप के बारे में नहीं बता रहा, तो आप इसका 100% क्लेम कर लीजिए। दो लाख अस्सी हजार रुपए आपके पास टोटल इनकम, 2,80,000 रुपए आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से करिएगा जैसे किया है। सॉल्यूशन में इन्होंने एग्जेम्पशन पहले ली है और सेट ऑफ बाद में कराया है, जबकि जबकि आप लोग का जबकि आप लोगों का पहले सेट ऑफ होगा और फिर आपको डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि डिडक्शन जीटीआई से मिलती है, डिडक्शन जीटीआई से मिलती है, और सेट ऑफ जो है वो जीटीआई से पहले होता है। ठीक है ना, सेट ऑफ जो है वो जीटीआई से पहले होता है और डिडक्शन बाद में मिलती है। यहां पर फिलहाल आंसर वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट यू विल सेट ऑफ द लॉस, कंप्यूट द जीटीआई एंड देन क्लेम द डिडक्शन। ठीक